हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीपी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की इस वीडियो में आपको उपभोक्ता फोरम का ही एक केस बताने वाला हूँ जिनका बिल मेरे पास मार्च महीने में आया था। इनको नवंबर महीने के अंदर 3147 रीडिंग का बिल आया था जो कि 30,999 का था। और मेरे केस में भी सेम ऐसा ही था कि उसमें एक महीने के अंदर ज़्यादा रीडिंग थी, जैसे 6,022 रीडिंग का बिल आया था तो मुझे 60,000 का बिल आया था। तो जब मार्च महीने में मेरे पास इनका बिल आया तो मैंने इनको वैसे ही एप्लीकेशन बना करके दी फोरम में केस करने के लिए, विद्युत उपभोक्ता फोरम में केस करने के लिए। जैसा मेरा प्रकरण बना था वैसा ही मैंने इनको बना करके दिया, पूरी एप्लीकेशन बना करके दी। और 16 अप्रैल को इनका भी डिसीजन आ गया और ये भी केस जीत चुके हैं उपभोक्ता फोरम से। इनका भी सेम मेरे केस जैसा ही डिसीजन आया है कि जिस महीने ज़्यादा रीडिंग का बिल आया है उस बिल को कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह पे जो नया मीटर लगता है तो उसके 3 महीने का एवरेज निकाल करके उस बिल को रिप्लेस कर दिया जाता है। सपोज़ मेरे यहाँ पर 100 रीडिंग चली हर 3 महीने, 100, 125, 150, तो एक एवरेज 125 रीडिंग का जो बिल है उस बिल की जगह रिप्लेस कर दिया गया है जहाँ पर ज़्यादा रीडिंग का बिल आया था। क्योंकि होता यह है कि मीटर रीडर अपना काम नहीं करते हैं और रीडिंग इकट्ठी होती है, जब कभी किसी दिन वो गलती से आपकी सही रीडिंग ले लेते हैं तो फिर वो रीडिंग की एंट्री वहाँ पर होती है और आपको एक ही महीने के अंदर जहाँ नॉर्मली 1,000-1,500 का बिल आता है तो वहाँ पे 30,40,50,000-60,000 रुपये का बिल आ जाता है। तो उपभोक्ता फोरम के नियम अनुसार उस बिल को खारिज करके 3 महीने का एवरेज निकाल करके वहाँ पर उस बिल को खारिज करने के बाद नए बिल को रिप्लेस किया गया। सपोज़ जो भी आपकी आती है 100-150 उस रीडिंग का बिल वहाँ पर हो जाता है और बाकी सभी तरह के सरचार्ज और पेनल्टी जो भी लगती है उन सबको हटा दिया जाता है। सपोज़ इनका बिल नवंबर में आया था और केस का डिसीजन अप्रैल महीने में 16/4/2018 को आया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के हाफ मंथ, इन मतलब लगभग सभी 4 से 5 महीनों के ऊपर जो पेनल्टी, मतलब विद्युत मंडल आपके बिल के अमाउंट की 1% पेनल्टी लगाती है। सपोज़ आपके यहाँ पर अगर जैसे 10,000 रुपये का बिल आपका पेंडिंग चल रहा है तो 10,000 के ऊपर 1% के हिसाब से लगभग 100 रुपये के आसपास आपको इसमें पेनल्टी लगती है। तो वैसे ही इनकी जो भी पेनल्टी थी उसको 4 से 5 महीने बिल आने से लेकर के फोरम में डिसीजन आने तक के सभी पेनल्टी को भी हटाया जाएगा। तो सेम उनका भी वैसे ही डिसीजन आया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोरम में, विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम में, आप बहुत ईजीली इसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसके पहले जस्ट मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस तरह से आप फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और इन्होंने भी जोन के एई से बहुत बार कंप्लेंट करी, सीएमएल प्लान में कंप्लेंट करने के बाद इनके पूरे केस को मैंने जैसा कि बताया कि ज़्यादा लोड बता करके बंद करा दिया गया। तो उपभोक्ता फोरम ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपके प्रॉब्लम का सही तरीके से निवारण होता है जो कि ज़्यादा बिल अमाउंट का बिल आते हैं। तो आपको अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं या मेरी वेबसाइट mpebcorruption.in पर आप इसमें जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको विद्युत मंडल से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है तो आप YouTube पर कमेंट कीजिए, मेरी वेबसाइट पर मैसेज कीजिए, मेरे मेल पर आप मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस तरह की दिक्कत आपको ना आए उसके लिए आप मेरा मीटर रीडिंग चार्ट का यूज़ कीजिए, जिसको कि इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली के बिल को कम करने के लिए जितना ज़रूरी है कि आप कम से कम चीज़ों का यूज़ करें या किसी चीज़ का यूज़ ना होने पर उसे बंद करें, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपके यहाँ हर महीने रीडिंग हो रही है या नहीं। क्योंकि 90% केस में जो ज़्यादा बिल आते हैं उसके अंदर मीटर रीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो सही रीडिंग अगर नहीं लेता है तो आपका बिल इकट्ठा होकर के आता है। क्योंकि जो भी रीडिंग आपकी कंज्यूम हुई है वो एक ना एक दिन तो आपको बिल भरना ही है, लेकिन अगर मीटर रीडर जब उसको सही तरीके से नहीं लेता है, वो जब इकट्ठी हो जाती है तो आपको फिर बड़े अमाउंट के बिल आते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे मीटर रीडिंग चार्ट का यूज़ करें। इस केस से रिलेटेड उपभोक्ता फोरम के सभी तरह के डॉक्यूमेंट और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो मेरी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। अगर किसी को
इस विद्युत उपभोक्ता फोरम से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए कि कैसे केस करते हैं, तो उससे आप मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए, या किस तरह से इस उपभोक्ता फोरम में डिसीजन आता है उसको एक्सपीरियंस के लिए, मतलब किस तरह से रिजल्ट आता है और अपने को क्या उसमें रिलीफ मिलता है और आगे क्या करना होता है, तो उसकी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर इस केस के भी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट उपभोक्ता की परमिशन से अपलोड किए हैं ताकि बाकी लोगों को जागरूक कर सकें। तो अगर किसी को इस तरह की शिकायत है उपभोक्ता फोरम से रिलेटेड, तो आप इस मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मेरी वेबसाइट के थ्रू आप सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओरिजिनल फॉर्म में आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।